के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आखिरकार कौन है महाबोधि मंदिर में सीरियल ब्लास्ट का जिम्मेवार? सीरियल ब्लास्ट के 24 घंटे बीत चुके हैं लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि एनआईए की जांच भी किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंची है। मुख्यमंत्री ने धमाकों पर सफाई पेश करते हुए कहा है कि देश के किसी भी कोने में कभी भी धमाके हो सकते हैं, कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि धमाके होंगे या नहीं होंगे। इन सब के बावजूद बड़ा सवाल ये है कि जांच में जुटी सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला है एजेंसियों ने। सीसीटीवी फुटेज में धमाके की तस्वीरें कैद हुई हैं। जब यह धमाका हो रहा था उस समय 15 सीसीटीवी काम कर रहे थे और उस समय ये तस्वीरें कैद हो गई थी, धमाकों की तस्वीरें, और लोग भागने लग गए थे। महाबोधि मंदिर में सीरियल बम ब्लास्ट की जांच एनआईए की टीम ने रविवार की शाम से ही शुरू कर दिया है लेकिन वो अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। मंदिर के सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरों को खंगाला जा रहा है ताकि कोई सुराग हासिल हो सके। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रधान सचिव ने इसे आतंकी हमला करार दिया था लेकिन उसके बाद अभी तक कोई ठोस प्रमाण हाथ नहीं लगे हैं। वैसे एनआईए के निर्देश पर बिहार पुलिस ने बाराचट्टी से विनोद मिस्त्री को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ चल रही है। महाबोधि मंदिर में सीरियल ब्लास्ट के बाद जांच के दौरान ध्यान केंद्र की बाउंड्री पर विनोद का आई कार्ड मिला था। इसके अलावा मंदिर में 3 पर्चे भी मिले थे जो उर्दू में लिखे हुए थे। इस पर्चे में जिक्र है कि कहां कहां बम रखे जाने थे। इसके बाद गया के बैजू बीघा और एक होटल से भी बम बरामद किया गया था। इस बीच बिहार के डीजीपी अभ्यानंद ने कहा है कि महाबोधि मंदिर में 10 धमाके हुए थे और 3 जिंदा बम बरामद किया गया था। इसके पहले पुलिस ने 9 बम धमाकों और 2 जिंदा बम मिलने की बात कही थी। बम में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था और सारे धमाके 20 मिनट के अंदर हुए थे। महाबोधि मंदिर में ब्लास्ट के बाद नीतीश कुमार विपक्षी दलों के निशाने पर हैं। ऐसे में नीतीश ने कहा है कि धमाके नहीं होंगे, ऐसा दावा कोई नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री के इस बयान पर सियासी तापमान बढ़ने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन न्यूज। धमाके भी हुए हैं और नुकसान भी हुआ है, भले ही वो नुकसान कम हुआ हो लेकिन आगे ऐसी आशंका है कि ये नुकसान घातक भी हो सकते हैं। तीनों खास मेहमान बने हुए हमारे साथ। विजय जी, आपके पास आएंगे। बिहार में जिस तरह से आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर छिछोली राजनीति हो रही है, मुझे लगता है कि वो बहुत नुकसानदेह है इस स्टेट के लोगों के लिए। देखिए, इसी स्टेट के लिए नहीं, पूरे देश के लिए ये मामला है कि आप आतंकवाद को कभी हिंदू आतंकवाद कभी मुस्लिम आतंकवाद इस नजरिया से जब तक देखेंगे, ईमानदारी से राष्ट्र के साथ आप न्याय नहीं करेंगे जी। आतंकवाद का न कोई धर्म है न कोई जाति है। आज अल्पसंख्यक जिसको हम कह रहे हैं वो अल्पसंख्यक नहीं है, आज की तिथि में वो बहुसंख्यक हो गए हैं। बहुत सारे बेल्ट में, बहुत सारे क्षेत्र में, आज बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र उसका उदाहरण है। तो आप फिर ये कह करके वोट की राजनीति के लिए ये गंदी सोच रख करके और बांट करके आप पोषित करते हैं, और परोक्ष रूप से ये मानसिकता हटानी होगी। राष्ट्र के गद्दारों के साथ किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं रखनी होगी। बिल्कुल, यहाँ पर ना कोई जाति है ना धर्म है और ना किसी तरह की बात है। यहाँ पर सिर्फ यही है कि जो गद्दार है उनको सजा दी जानी चाहिए। बिल्कुल, रामबदन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। बहन बनाने का रिश्ता जोड़ने की स्थिति न लानी चाहिए। रामबदन जी, कितना सही मानते हैं आप रिश्तेदारी यहाँ पर जोड़ने की बात कहना या इस तरह की बातें कहना, उसको प्रमोट करना बिना जांच के? ये कहना बहुत मुश्किल है कि कोई आतंकवादी है या नहीं, जांच के बाद पता चलता है, ये हम कह रहे हैं अपनी तरफ से। लेकिन फिर भी जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक अपनी तरफ से कुछ बातें कह देना कि आपको सही लगता है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। जब जांच चल रही है, सही तस्वीर आने से पहले गैर जिम्मेदारान बात है कि जिम्मेवारी से कोई बात को बोलना चाहिए। राजनीति में आप बोलते हैं तो एक पार्टी के पक्ष में पूरे बिहार के लोग उसको, देश के लोग देखते हैं। तो ये जब जांच का विषय बना हुआ है तो ऐसी स्थिति में किसी को क्लीन चीट देना उचित नहीं है। बहरहाल, आप क्या मानते हैं रामबदन जी, कैसे बिहार में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जानी चाहिए? प्रमुख तीर्थ स्थानों की, सार्वजनिक स्थलों की तुरंत क्या कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाने चाहिए ताकि कम से कम जनता कुछ महफूज महसूस कर सके? नहीं, जिस तरह से हमारे यहाँ शुरुआत हुई है और जिस तरह से, मान लीजिए आज से कुछ दिन के बाद देवघर में
पूरे के पूरे इलाके शराबड़ी मेला होने वाला है, जहां एक लोकेट नहीं है, करीब करीब 100 किलोमीटर से अधिक पर हजारों हजार लोग सड़क पर रहते हैं। और वैसी स्थिति में यदि गंभीरता से इस मुद्दा को नहीं लिया गया, भारत सरकार को भी लेना चाहिए और बिहार सरकार को भी लेना चाहिए, ताकि आने वाले दिन में बिहार की जनता सुरक्षित रह चुके। क्योंकि पूरे देश के लोग श्रावणी मेला में आते हैं, कोई बिहार के मेला नहीं, पूरे देश के लोग आते हैं। अब महावीर मंदिर है पटना शहर और बिहार के बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसे बहुत सारे मंदिर हमारे यहाँ हैं जहाँ हजारों लाखों की संख्या में प्रतिदिन लोग आते बिल्कुल हैं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और तमाम जगह गिरजाघर बहुत सारे ऐसे हैं बिहार में हरखो जी जहाँ पर भीड़ होती है, रविवार को भीड़ होती है, किन्हीं जगहों पर मंगलवार शनिवार को भीड़ होती है, कहीं अगर जियारिन लोग आते हैं वहां पर भीड़ होती है। गवर्नमेंट को तीन चीज तुरंत स्टेप लेना चाहिए बिहार सरकार को। जी देखिए, इसमें जो आप जो डिस्कशन अभी चला रहे हैं, इसमें तो पहला बात यह है कि नीतीश कुमार जी जो चाहे जो भी कुछ बोल रहे हैं, बिल्कुल वो जिम्मेदारी में पूरी तरह से फेल हो गए हैं। नंबर एक, वो अपने जिम्मेदारी में, सरकार की जिम्मेदारी में पूरी तरह से फेल हो गए हैं। इसको झुठला नहीं सकते हैं कि आपने कोई प्रिवेंटिव, जब आपको सूचना थी, नहीं सूचना रहती तो वो जो आभाषण कर रहे हैं वो उनका रहता बात तथ्यात्मक रहता है, लेकिन वो मामला को डाइवर्ट कर रहे हैं। पॉलिटिकल आदमी नहीं कर रहा है, वो स्वयं मामला को पॉलिटिकलाइज बना रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो की अभी रामबदन भाई ने ठीक कहा है कि तीन जगहों के लिए अभी सबसे मतलब एट वंस, जिसको अंग्रेजी में बोलता है कि एट वंस मतलब तुरंत, बिल्कुल यदि अपने अपने सक्षम है तो अपने सक्षम है, नहीं तो केंद्र सरकार को मदद मांग लेनी चाहिए, एसएस भेजें। नंबर वन की महावीर जी मंदिर पटना जी, जहां मैंने प्रत्येक दिन हजारों आते हैं, मंगल शनिवार के दिन लाखों आते हैं, एक प्रोटेक्शन वहां सबसे बहुत जरूरी है, स्टेशन सटा हुआ है। दूसरा है हमारा गुरुद्वारा जो ये सब इंटरनेशनल फेम का जी, जी, जी। और तीसरा जो 24 जुलाई से शुरू होने वाला है सुल्तानगंज टू देवघर, जिसमें 110 किलोमीटर की यात्रा होती है, सिर्फ 10 ही किलोमीटर देवघर के अधीन पड़ता है, 100 किलोमीटर बिहार सरकार के अधीन पड़ता है, जिसमें हमारा चार जिला रहता है जी, समझे ना, भागलपुर, बांका, मुंगेर और ये पार्ट ऑफ जमुई। क्या साहब रामदन जी, हाँ लखीसराय से भी मतलब ये है, वहाँ सरकार को पुख्ता से नहीं कहता कि पुख्ता से पुख्ता इंजाम तीर्थयात्रियों के लिए करना चाहिए कि इस तरह की घटना नहीं हो। चलिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पर हरखो जी ने कही। मैं समझता हूँ कि रामबदन जी और विजय जी आप लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए, इसमें और क्या कुछ और बढ़ाना चाहेंगे, बड़ी बात करना चाहेंगे आप? तो मैं बता दूं जी कि अर्धसैनिक बल और सेंट्रल फोर्सेज के बदौलत पूरे बिहार की सुरक्षा नहीं हो सकती है जी। हमारा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो हमारी पुलिस है, इसके भी पुलिस पॉलिसी जो बननी चाहिए, इसके अंदर भी आपको चिन्हित करना पड़ेगा कि कौन सा फोर्स मेरा फिटनेस प्राप्त किए हुए है और काम कर सकता है। आज एक ही घर के दो बच्चे, एक फौज में जाता है, एक पुलिस में जाता है, फौज में वो पूरा फिट रहता है शारीरिक मानसिक रूप से, और पुलिस में रहते हैं तो उनकी तोन निकल जाती है, निकल जाती है, उनको गोली चलाने की आदतें नहीं रहती। दूसरी चीज की इनकी व्यवस्था जो होती है, कहें न कहें ये जिस मानसिकता से एक करप्ट मानसिकता बन जाती है, इस व्यवस्था को रोकना होगा। आज भी ये सत्ता के अंदर रहे, सत्ता के बाहर रहे, ये पॉलिटिक्स की बात नहीं है। आज थाने के अंदर व्यवस्था को दुरुस्त करना पड़ेगा। अपराधियों के सहयोग से उग्रवाद और आतंकवाद पैदा होता है जी, तो उस पर भी नजर रखी जा सकती है स्थानीय पुलिस के माध्यम से भी, और वहां अच्छे पदाधिकारी का, खास करके जहां पर इस तरह की भीड़ भाड़ का वेल्ट है, जिस थाना क्षेत्र के अंदर आता है, अच्छे पदाधिकारी, संवेदनशील पदाधिकारी निश्चित तौर पर विशेष ध्यान में, न कि राजभवन की शोभा बढ़ाएं, न कि राजभवन की शोभा, सत्य मुख्यमंत्री आवास की। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर है, और रामबदन जी ये सवाल मैं जरूर करना चाहूंगा, अच्छे अधिकारी, सिंसियर अधिकारी, पूरी तरह से ऑनेस्ट अधिकारी, क्या ये जितने भी चाहे पुलिस फोर्सेस के हों, चाहे सेना के हों, या फिर स्वयंसेवी, स्वयंसेवक जिन्हें कहते हैं, राजनीतिक दलों के भी जो लोग हैं, जो कि एक जिसको कहते हैं देश के साथ जो प्रेम है, देश ओज की जो भावना है, उसके साथ अब काम करना शुरू करें हमारे देश में सुरक्षा को लेकर? बिल्कुल कहना सही है विजय जी का, जो राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए, हर लोगों में राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए जी। जो इन लोगों से हम लोग का जो डिफरेंसेज होता है, ये कहीं मुस्लिम आतंकवाद हो जाए अल्पसंख्यक है तो ये लोग बोलते हैं, कहीं दूसरे लोग होता है तो वहां चुप हो जाते। देश के सवाल पर चाहे हिंदू आतंकवाद हो या मुस्लिम आतंकवाद हो
या सिख आतंकवाद हो, जो भी आतंकवाद हो उस पर खड़ा होना चाहिए। तो हम लोगों का यह कहना है जिस तरह से ये मंदिर परिसर में हुई, और मंदिर परिसर बहुत बड़ा नहीं है बौद्ध गया का, और 10 जगह टाइमर लगा दिया गया, बम लगा दिया गया, और किसी ने नहीं देखा, ये बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि बिल्कुल फेलियर है। 39 जिम्मेदारी लेना चाहिए, जहां से चूक हुई है, नहीं प्रशासनिक चूक हुई है। वो राजनीतिकरण वाली बात है विजय जी, भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर ने कभी भी आतंकवाद का नारा कभी नहीं मुस्लिम और हिंदुवाद का दिया है, वो विषयांतर कभी नहीं दिया है। ये तो कांग्रेस के लोगों का यही दिग्विजय सकते दिग्विजय सिंह जैसे लोगों का, चिदंबरम साहब के लोगों का एक उपज निकली है ये मामला। आतंकवाद का एक गंभीर विषय पर दूसरे लोग वोट से बात को जोड़ रहे हैं, तो इनको भी यदि अल्पसंख्यक वोट नहीं देता है तो उस पर ये कूदने लगते हैं, लेकिन दूसरे लोग करते हैं चलिए तो उस पर ये राजनीति समझते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी सब की बात करती है, सबको लेके चलता है, तुष्टिकरण की बात नहीं करती है, करती है लेकिन ये तो आरोप के चक्कर में ये आतंकवाद का बढ़ावा मिलता है। जो अमित शाह एकदम मेन एक्यूज है गुजरात ये नरसंहार में, वो चार सीटें हैं और उसको उम्मीदवार बना दिया है, क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश का, ये कल जाकर के आपको अयोध्या में जाकर मतलब आप लोग एक दूसरे की पोल यहाँ पर खोल दें, लेकिन जो आतंकवाद जैसा मुद्दा है उसको भूल जाए, राष्ट्रवाद की बात के हित में बात करिए, क्या बातें कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आपने इतनी गंभीर बातें कही यहाँ पर। राम जी अब आप इस मुद्दे पर आ गए, बीजेपी और आरजेडी ये कहते हैं जो हम चाहते हैं दूसरे लोग नहीं चाहते। चलिए चलिए हम आते हैं मुख्य मुद्दे पर, जो महाबोधि मंदिर में जो कुछ हुआ है, क्या आपको लगता नहीं कि गवर्नमेंट फेलियर है? उतना छोटा मंदिर परिसर में, वहां बहुत ज्यादा क्राउड नहीं रहती है, उस कैंपस में यदि 10 जगह पर लगा दिया गया और सरकार सोई रही, प्रशासन सोया रहा, मैं समझता हूँ हरकू जी ये बताएं कि अगर वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो आखिरकार वो कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं जब सोया हुआ है ना। देखिए एक चीज, अभी हमारे मित्र लोग जो उस ओर ध्यान देने की जरूरत है जी, कि हम लोग सीधे आतंकवाद का मतलब जो समझ लेते हैं पाकिस्तान जी, ये आतंकवाद के अंदर पूरी तहकीकात की जरूरत है कि हमारे बॉर्डर पर आज चाइना का जो नजर इस तरह के, खास करके दलाई लामा जी का उस दिन जन्मदिन का उत्सव था और इस तरह का खेल है, तो पूरी तहकीकात होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट आज चाइना के साथ जिस तरह से लुका छुपी का खेल खेल रही है और कई स्टेट असुरक्षित होते जा रहे हैं जी, तो आतंकवाद पाकिस्तान की ओर से हो, चाइना की ओर से हो, या किसी भी देश की तरफ किसी भी देश की ओर से हो, इसकी पूरी तहकीकात करके इसके जमीन जड़ तक जानी चाहिए और इस पर पूरी ढंग से ऑपरेशन होनी चाहिए। ये लीपापोती कर करके हम लोग, मैं समझता हूं कि अत्याधुनिक तकनीक वाली जो चीजें हैं यहाँ पर रामबदन जी, ऐसे ऐसी मशीनें अब आ चुकी हैं देश विदेश में जिनसे पता लगाया जा सकता है तुरंत कि कहां बॉम्ब ले जाया जा रहा है, उसकी मूवमेंट कैसे हो रही है, हो सकता है सैटेलाइट लिंकिंग के माध्यम से भी वो पता लगे। अगर ये चीजें कम से कम हमारे देश में हो जाए, परिसर में हम में से सब लोग गए जी, उस परिसर में यदि 5 होमगार्ड भी सक्रिय रहता तो वो फिक्स्ड नहीं किया जा सकता। आप गए, लेकिन मेटलिक डिटेक्टर वहां होते हैं, वहां तो जांच सारे चीज होते हैं, उसके बावजूद सारी चीजें जांच होती हैं, सारे चीज है, लेकिन बावजूद भी नहीं। 8-9 बजे रात में गए हैं जी कल, और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी राजीव प्रताप रूढ़ी जी भी थे, संयोग से वहां पर एसडीओ ने कहा कि अंदर जाने की इजाजत नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जब घटना घटती है तो उसके बाद इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, तंत्र सक्रिय हो जाता है। महावीर स्थान मंदिर के बाहर भी डिप्यूट करते हैं आप, रेलवे स्टेशन के बाहर भी लगाते हैं हरकू जी, लेकिन उसके बाद रेलवे स्टेशन में साले आवास में लगाते हैं, क्यों नहीं रह पाते? आप बताएं पटना जंक्शन के ऊपर में अभी भी आईबी ने खुद रिपोर्ट भेजी कि वहां पर भी आतंकी हमला हो सकता है। हम तो बता रहे हैं कि जब वहां आतंकी हमला की बात कही गई थी जी, और उसके नेक्स्ट डे माने इतना सिक्योरिटी फॉल्स था मंदिर का प्लस बिहार सरकार का जी, एक महिला ने ऊपर से आत्महत्या किया, तो यदि सिक्योरिटी लैप्सेज नहीं रहता
सिक्योरिटी टाइट रहता तो कोई यदि इस तरह का भी काम करता यदि मान लीजिए जान बचाई जा उसकी जान बचाई जा सकती है। ये मेरे कहने का मतलब कि सेंसिटिवनेस ये बात नहीं है कि जब आपको अलर्टनेस था तो अलर्टनेस इतना था कि जो ऊपर में गया ऊपर से कूद गया मर गया उसकी भी आप सुरक्षा नहीं कर सके। सच्चाई यहाँ पे आतंकवादी आतंकवादी 60 वर्षों तक शासन में बैठ करके राष्ट्र के हित में इतना चिंतन करते रहे दिल्ली को क्यों नहीं सुरक्षित कर पाए? ये महावीर मंदिर में क्या क्या ये तमाशा है कि हम फूल अरे बिहार बिहार हो या बंगाल हो आज दिल्ली के अंदर आप इतने वर्षों तक शासन करते रहे और दिल्ली को सुरक्षित नहीं कर पाए मुंबई को सुरक्षित नहीं कर पाए। देखिए हम ये स्पष्ट है कि जिम्मेवारी से नहीं बच सकते हैं। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया है। जिम्मेवारी से हम तो कह रहे हैं जिम्मेवारी से नहीं बच सकते हैं। आप राष्ट्र के हित में आप पॉलिसी बदले हैं। राष्ट्र के हित में वोट की राजनीति से जब तक सत्ता हम चलाते रहे पॉलिसी की तो कोशिश करते हैं। ये एनसीटीसी के मुद्दे पर आप लोग एक नहीं हो रहे हैं। एनसीटीसी पे आप लोगों ने क्यों विरोध जताया? नियति स्पष्ट नहीं है। क्या नियति? नियति साफ तौर आज खुल करके किसी विषय पर पॉलिसी बनाना है पक्ष और विपक्ष मिल करके खुली बहस के साथ जो संशोधन आता है उसको स्वीकार करते हुए अंगीकार करते हुए ये निर्णय ले तो ईमानदारी से आतंकवाद आज अपराध बिहार के अंदर कैसे घटा? आज आतंकवाद बिहार के अंदर जो अपराधियों का भय था सत्ता संरक्षित अपराध पर इन्होंने अंकुश लगाया जी। एक मिनट में परिवर्तन आ गया। जिस दिन उग्रवाद और आतंकवाद पर सत्ता संरक्षण बंद हो जाएगा परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। आज हम क्यों नहीं पॉलिसी बना पाते हैं उग्रवाद पर? क्यों नहीं पॉलिसी बना पाते हैं आतंकवाद पर? आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कोई पॉलिसी बना के लाए ये आए तो बदल दिए वो आए तो उसमें संशोधन कर लिए और उसके बाद इस तरह की भाषा जब बोलेंगे नहीं लेकिन कि बिहार की बेटी है आतंकवाद पर क्या माहौल बनेगा? बिल्कुल हमको आपत्ति है विजय जी के बात पर जी। ये जब तक थे तब तक बिल्कुल सुशासन होगा ये हट गए तो कुशासन होगा। बिल्कुल बिल्कुल आप रहिए अच्छे से आप अच्छे से रहिए आप अच्छे से सुनिए आपकी बात हम सुने। चलिए उनकी बातों को पूरा करने दीजिए विजय आपकी बात मैं सुना हूँ और आपकी बात मैं सुना हूँ आप सुनिए बात। बिल्कुल आपने कहा कि जब तक हम थे तब तक सुशासन जब तक हट गए कुशासन ये ड्यूअल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। बराबर की जिम्मेवार सुनिए बराबर की जिम्मेवार विजय जी नहीं बीच में मत बोलिए बाद में आपको मौका मिलेगा बोलिएगा आपकी भी बारी आएगी तो आप बोलिएगा मैं सुनूंगा जी। और ये एक सप्ताह 15 दिन के बाद कुशासन हो गया ये पिछले कई वर्षों से 7.5 साल और राजद के लोग थे तो कुछ करता था तो इनको छाती में दर्द होता था अब इनके लोग कर रहा था तो छाती में दर्द नहीं होता। मतलब 7.5 साल में कोई अपराध बिहार में नहीं हुआ कोई तरह का अपराध नहीं हुआ। फारविसगंज के घटना में कुछ नहीं हुआ इधर अभी हो गया। चीज पूछते हैं कि 15 साल ये 7.5 साल में अपराध में कोई अंतर आया या नहीं? अंतर नहीं आया बिल्कुल अंतर खत्म नहीं हुआ बिल्कुल अंतर नहीं आया एकदम नहीं आया। आपके क्षेत्र लखीसराय में क्या तमाशा हो रहा क्या मोकामा में हो रहा क्या बने में हो रहा कौन नहीं जानता है कौन नहीं जानता है कि सारे फंड को लूटा जा रहा है कौन नहीं जानता है पूरा फंड को लूटा जा रहा है इस राज्य में। चलिए काश आपको तकलीफ इसलिए है कि उस मौका से आप हट गए। चलिए काश की इतनी ईमानदारी लीजिए रमन जी पहले फंड लूटा जाता हरकू जी काश की इतनी ईमानदारी से हरकू जी नहीं लूटा जा रहा अब एस्टिमेटेड लूटा जाता है। हरकू जी क्या इतनी शिद्दत के साथ क्या आतंकवाद के मुद्दे पर भी आप लोग बात कर सकते थे तो बड़ी ये लगता है जनता को कि आप लोग कुछ सोचते हैं ये आतंकवाद जैसा मुद्दा जो काफी गंभीर सवाल पर बिहार एकजुट है देश एकजुट है और हमने जो आरोप लगाया बिना फोर्स लगाए बिना किसी फोर्स को डिप्लॉयड किए हुए बिना सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए हुए हमने इसकी चर्चा की है। सही चीज कर रहे हैं। एक चीज बता दूं जी कि देखिए आतंकवाद उग्रवाद और अपराध ये तीनों एक ऐसी समस्या है जो किसी को नहीं बखसता है जी और ये इस तरह का सर्प है जो जब मौका मिलेगा तो किसी को भी डस सकता है उसकी कोई अपना और पराया नहीं होता है।
हम लोग अपने अपनी भाव और राजनीति के प्रति राजनीतिकरण की बात यहाँ मेरा क्षेत्र एक ही है, इनका मेरा क्षेत्र एक ही है। चलिए क्षेत्र एक है, हम कह देते हैं, बहुत ही संक्षेप में समय की कमी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अपना कंक्लूजन दे रहा हूँ कि राज्य सरकार को चाहिए जो केंद्र जो कानून एनसीटीसी मुद्दे पर जो इनका सुझाव हो या संशोधन हो वो दे करके देश में आतंकवाद उग्रवाद और अपराध जो बढ़ रहे हैं उसको रोकने में जो भी प्रयास करेंगे जनता और नेता साथ रहेगी, लेकिन राजनीति करेंगे तो वहीं पर फिर बंटवारा। विजय जी बहुत ही संक्षेप में दो लाइनों में। निश्चित तौर पर इसमें गंभीरता से सोचने की जरूरत है जी, और इसमें बिना भेद किए हुए जी राष्ट्र हित में एक भाव और एक भाषा हो। रामबदन जी बिल्कुल इसमें किसी को दो मत क्या हो सकता है, जो विजय जी ने कहा हम सब लोग एक हैं, लेकिन चिंता का सवाल ये है कि सब हम एक हैं, सब हम आपके बिहार के सारे 10 करोड़ लोग मुख्यमंत्री जी आपके पीठ पर खड़े हैं, लेकिन आप हाथ उठा देते हैं जैसी घटना हो सकती है आगे भी होगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए बात आप लोगों ने कही यहाँ पर, आप तीनों मेहमानों का गलत है जी, आप तीनों ऐसे में आतंकवादियों को सरकार की कमजोरी सामने आएगा और मनोबल बढ़ेगा। चलिए समय की बहुत कमी है, आप तीनों हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल यहाँ पर ये उठता है कि एनसीटीसी जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर भी देश की जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्र सरकार के साथ एकमत क्यों नहीं हो पाती। देश के किसी भी राज्य के किसी भी जिले के किसी भी इलाके में हुई एक घटना आतंकवाद की घटना पूरे देश को प्रभावित करती है और सभी सरकारों को और सेना को इस मामले पर संजीदगी से विचार करने की जरूरत है। बिहार में आतंकवाद की अभी शुरुआत हुई है, अगर इसकी पौध आगे बढ़ी तो इस राज्य को बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। उम्मीद है कि कम से कम इस मुद्दे पर राजनीतिकरण नहीं होगा, वोटों की राजनीति नहीं खेली जाएगी और शिद्दत से विचार किया जाएगा। आर्यन आपकी आवाज में आज फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।